हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ गूगल प्ले के बारे में कि इसके थ्रू अपन पेमेंट को कैसे ट्रांसफ़र करें और रिचार्ज कैसे करें और क्या क्या अपन ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या क्या ऑनलाइन थ्रू अपन कर सकते हैं, वो डिटेल में सब आपको गूगल प्ले के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल प्ले इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर से गूगल प्ले को डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप गूगल प्ले इंस्टॉल करने के बाद तो आपकी जो बैंक से सिम लिंक होनी चाहिए, बैंक से सिम लिंक होगी तो इसके अंदर आपको ये मांगेगा कि हाँ इसको आप किससे लिंक करना है, कौन सी बैंक है, तो आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। और लिंक करने के बाद में इसको आपको आपका ऐड हो जाएगा गूगल प्ले से, फिर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। मेरे अंदर मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ गूगल प्ले के बारे में, ठीक है। मैंने गूगल प्ले ओपन किया तो ये मेरा सबसे पहले, आप अगर अनलॉक कुछ पैटर्न देना चाहते हो, पासवर्ड देना चाहते हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो। मैंने पैटर्न लॉक किया हुआ है तो मैंने पैटर्न लॉक खोल दिया, ठीक है। पैटर्न लॉक खोलने के बाद में आपको ऊपर एक सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक आपको सिंबल दिखाई देगा, तो स्कैन करता है बार कोड और आपको पेमेंट कैसे लेना है, क्या है, मतलब अगर लेना है तो भी इसके थ्रू ले सकते हो, और आपको पेमेंट आ तो मतलब पेमेंट इशू करना है तो इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो क्लिक किया, क्लिक करते ये खुल गया, ठीक है। क्लिक करते खुल गया तो इसमें अभी ये बोल रहा है स्कैन QR कोड टू पे, स्कैन स्पॉट कोड टू कनेक्ट, मतलब आपको मतलब किसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसका बार कोड होगा आगे का, वो बार कोड इसके आगे लाना है, तो आप उसको स्कैन करोगे तो उसकी पूरी डिटेल बताएगा, फिर आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। और अगर आपको किसी से पेमेंट मंगवाना है या आप किसी को पेमेंट आपको चाहिए पेमेंट, मतलब आपको पेमेंट लेना है, तो आप अपना शो करना पड़ेगा अपना बार कोड क्या है। तो इसमें आपको देखो एक लिखा हुआ नीचे शो माई स्पॉट कोड, आप क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका जो भी है वो दिखाई देगा। इसके बाद में आपको स्क्रॉल, मतलब आपको राइट की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल कर दिया तो आपकी ये देख लो आपकी बार कोड आ गई। बार कोड के थ्रू आप आगे वाला बंदे को आप अपना फ़ोन आगे करो तो वो इसके थ्रू अपना आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, ये तो हो गया कि अपन स्कैन से कैसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखो, जैसे कि मैंने बहुत जन लोगों को ट्रांसफ़र कैसे किया हुआ देखो, और मैंने रिचार्ज भी किए हुए बहुत सारे, क्या हुआ, मतलब इसमें सब कुछ आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ऐप से, बहुत ही ईजी वे की ऐप से। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिवॉर्ड, मतलब आप जैसे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आप इसमें जीतते हो, ऑफर्स वगैरह जो भी है, किसी को ट्रांसफर ऑफर्स होते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है 5 जनों को, 10 जनों को, 20 जनों, जो भी आप ट्रांसफर करते हो। तो रिवॉर्ड्स के अंदर आपने जो मतलब जो भी जीता हुआ है ना, तो पेमेंट वगैरह इसके ऊपर आ जाता है। हालाँकि मैंने अब पेमेंट आगे किया तो देख लो ये आगे गया रिवर्स में, देखो मैंने 238 रुपये मिले, 238 रुपये मैंने जीते तो मेरा ये देखो ऊपर से आ गया, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप किसी को भी भेजोगे तो आपको कैश मिलेगा 10 का 20 का 50 का 100 का, जो भी आपको स्क्रीन पर सैलरी होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। मैं आप बैक कराऊँ, ठीक है। अभी ऑफर क्या क्या चल रहे हैं, मतलब क्या चीज़ में क्या क्या ऑफर चल रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, आप देख सकते हो, इन्वाइट योर फ्रेंड टू यूज गूगल प्ले, यू अर्न 101 यानी 101 वेन योर फ्रेंड सेंड द फर्स्ट पेमेंट, मतलब आप किसी भी फ्रेंड को पहला पेमेंट ट्रांसफर करोगे तो आपको 101 रुपये मिलेगा, ये आपको कैशबैक के अंदर उस समय रिवर्स के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये भी देखो सेंड 500 और मोर, मतलब 500 से ज़्यादा आप पैसे किसी को ट्रांसफर करोगे तो हो सकता है आप लकी विनर बन सकते हो, आपको 1,00,000 रुपये का भी बैलेंस पैसे मिल सकता है, ठीक है। ये है गेट स्केच कार्ड वर्थ अप टू 1,000, मतलब आप इसके करोगे ना या किसी को पेमेंट करोगे 150 रुपये अधिक तो आपको 1,000 रुपये का भी इसके काम मिल सकता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स आप देख सकते हो, ये देखो गेट अप द 1,000 रिचार्ज भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, ऑफर आते रहते तो आप किसी को भी पैसे सेंड करोगे, रिचार्ज करोगे तो आपको उनको कैशबैक मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया इसकी बात, ठीक है। और ये हो गए रेफरल, ये आपको मैं बता रहा हूँ रेफरल कोड, जैसे कि आप किसी को रेफरल कोड अपना शेयर करते हो ना तो उसके पेमेंट में क्या होता है, पेमेंट आपका कम ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर होगा तो इसके थ्रू कम पैसे लगेंगे और आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप
किस किस बंदों को पेमेंट किया हुआ है, क्या है, कैसे, सब बताएगा डिटेल। जैसे कि मैंने देखो पैसे ट्रांसफ़र किया हुआ है, ये जो मैंने 9000 मतलब 9000 रुपये मैंने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें बता दिया 205 रुपीज़, 149, 250, मतलब यहाँ से जो भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके अंदर सब बता देगा। अगर फेल होता है तो फेल भी बता देगा कि आपने इसको फेल हुआ है या नहीं हुआ, क्या है, जो भी सब इसमें से जो भी इंक्वायरी वगैरह कब किया है, क्या है, सब बता देगा, ठीक है। और इसके अंदर आप बैलेंस भी देख सकते हो कि मेरे अंदर बैलेंस कितना पड़ा है, चेक अकाउंट बैलेंस, चेक अकाउंट बैलेंस के अंदर मैं देखो मेरे बैलेंस मेरे अंदर देख रहा हूँ। जैसे आप इसके अंदर जब अपना बैंक का लिंक करते हो ना, तो इसके अंदर यू पी पिन वगैरह मांगेगा तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले से मैंने दी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। जैसे कि कोई भी मैं जैसे कि मेरे यू पी मैंने सेट पिन किए हुए हैं, जैसे आप ए टी एम में पिन सेट करते हैं, वैसे उसमें पिन सेट करना पड़ता है, जनरेट होता है ओ टी पी के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर देख लो आप, मैंने यू पी में पिन जनरेट किए हुए, ठीक है। तो ये देखो मेरे अंदर बैलेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरे अंदर इतना बैलेंस पड़ा है। तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, इसमें पेमेंट मतलब कोई भी जाने की जरूरत नहीं, आप फोन में आराम से बैठे बैठे ऐप ऐप के थ्रू गूगल प्ले के थ्रू आप आराम से अपना पेमेंट देख सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बैठ करता हूँ और इसके अंदर आप आपको मैं बता रहा हूँ, अब आप अप डाउन करोगे स्क्रॉल कर देखो तो आप सोच सकते हो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू पेमेंट, न्यू पेमेंट आप क्लिक करो, क्लिक करोगे तो इसमें कुछ ऑप्शन बताएगा, ठीक है। आप बिजनेस से, पीपल से, बिल से, मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट, आप किसी को मोबाइल रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, मोबाइल का बैलेंस करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे मोबाइल रिचार्ज में क्लिक किया, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालो कुछ भी, जैसे कि मैं नंबर डालता हूँ, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं प्रोसेस किया, मतलब ओके किया, ठीक है, ओके किया तो ये बताएगा सब कुछ, बता देगा किसकी सिम में क्या है, कैसे, सब बता बता देगा। मेरे वोडाफोन की सिम है तो इसने मेरे को बता दिया कि आई वोडाफोन, और इसमें मैंने पहले ही रिचार्ज किया हुआ था 10 रुपये का, 20 रुपये का, जो भी अब रिपीट करना रिपीट भी कर सकता हूँ। लेकिन और इसके अंदर ऑफर भी बताते हैं कि कितने का रिचार्ज करना है, क्या ऑफर मिलेगा, कितनी MB मिलेगी, कितनी डेटा मिलेगा, कितना मिनट मिलेगी, कितना बैलेंस मिलेगा, सब कुछ रहेगा। 39 का, 379 का, 399 का, 599 का, 480 का है, आप कोई भी इसके से रिचार्ज को सिलेक्ट करके रिचार्ज कर सकते हो, नो डाउट, ओके। अब जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप के साथ बता दूँ, जैसे कि मेरे को 39 या 379 का रिचार्ज करना, तो मैंने 379 की रिचार्ज किया, उसमें लिखा नाउ गेट फुली अनलिमिटेड लोकल नेशनल कॉल्स टू ऑल नेटवर्क प्लस 6 GB डेटा प्लस 1000 लोकल एंड नेशनल एसएमएस पर अवेलेबल फॉर 84 डेज, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये मेरा बता रहा है कि आपको रिचार्ज करना है, तो इसको कंटिन्यू में करूँगा तो रिचार्ज हो जाएगा 252, ओके। 252 में मैंने 252 का ये बोल रहा लोकेशन को ऑन करो, तो लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा, मैंने लोकेशन को ऑन कर दिया और ये बोल रहा है कि आपका लोकेशन सुबह और टर्न करो, ठीक है। तो आपको लोकेशन को ऑन करना है कि नहीं करना, इसको करना आपको इसको करना, इसको हो गया इसको होती है पेमेंट प्रोसेस में जाएगा, मतलब पेमेंट अभी तक होता नहीं भी, इसके लिए आपको यू पी पिन मांगेगा, यू पिन डालने पड़ेंगे, यू पी पिन मैंने कहा था ना, तो आप यहाँ पर अपने यू पी पिन डाल के ये रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। आपके इस फोन से कैसे रिचार्ज करो, बैलेंस कैसे करो फोन का, ठीक है। और इसके बाद बैंक ट्रांसफर, इसके बाद में बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर में क्लिक किया, आप किसको पैसे भेजना चाहते हो, किसको भी, मतलब इसमें लिमिट होती है कोई 70 या 80,000 तक आप किसी को भेज सकते हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दो, यहाँ पे वापस भी अकाउंट नंबर डाल दो, IFSC कोड डाल दो, ठीक है, और इसमें मतलब कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसेस करोगे तो आपका वो ही पूछेगा, लोकेशन पूछेगा और आपको कितना बैलेंस डालना है, बैलेंस पूछेगा, ठीक है। और एम पे वापस यू पी पिन कर लेना तो आपका वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर के थ्रू भी आप किसी को पैसे भेज सकते हो, अगर आपके अंदर कोई पहले थी तो उसका फ़ोन नंबर थ्रू भी यू पी आई आईडी के थ्रू भी भेज सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था वही स्कैनिंग वाला, और खुद को वापस ट्रांसफ़र करना तो सेल्फ ट्रांसफ़र भी हो सकता है। फिर इसमें बिल पेमेंट, बिल पेमेंट के अंदर क्या है, जैसे आप किसी के लाइट का बिल भरना है, पोस्ट मोबाइल का भरना है, DTH रिचार्ज करना है, लैंडलाइन का, ब्रॉडबैंड का करना है, पाइप गैस का करना है, पानी का बॉटर का करना है, इंश्योरेंस करना है, जो भी मतलब जितने भी कुछ भी करना है इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफर करके कर सकते हो, किसी का भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बिजनेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी को भी, जैसे कि आप इसके अंदर ऐप्स है कुछ है, तो आप किसी को जैसे कि ट्रेन का टिकट निकालना है
उबेर का, बुक माई ट्रिप, वो किसी का पेमेंट, एडबस, जोमेटो वगैरह कुछ भी, मतलब ऑनलाइन कोई ऑर्डर देते हो, पेमेंट करना हो, यहाँ आप बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। फ्लाइट का, ट्रैवल का, जो भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये ऐप से बहुत ही अच्छी ऐप है, शुक्रिया। आप पेमेंट से ट्रांसफर कर सकते हो, घर बैठे कोई जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल बैलेंस बैंक आराम से पैसे करने का, शुक्रिया। आप आराम से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जो मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि गूगल प्ले से कैसे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आगे आपको और वीडियो मिलते रहे।